हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ भरतनाट्यम प्रैक्टिस साड़ी ड्रॉपिंग, वो भी एक डिफरेंट तरीके से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक सिंपल कॉटन साड़ी ली हूँ और इसका क्वालिटी और फैब्रिक आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको नज़दीक दिखा रही हूँ। आपको इसी टाइप का साड़ी लेना है या फिर आपके पास कोई भी कॉटन साड़ी अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आपको हमेशा कॉटन साड़ी ही लेना है विथ बॉर्डर, चाहे आपके पास ये वाला साड़ी अवेलेबल हो या ना हो, आप कोई भी कॉटन साड़ी ले सकते हो। अगर आपके पास पाटा साड़ी है तो आप वो भी ले सकते हो, पर पाटा साड़ी में हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो आपको कॉटन साड़ी ही चूज़ करना है अपने लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ी का फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा थीन है। तो आप इसी टाइप का साड़ी लोगे तो आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल डांस करते वक्त फील कराएगा। तो यहाँ पे साड़ी को हम ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पल्लू और इसका पूरा एंटायर पार्ट साड़ी का बिल्कुल सेम टू सेम है, बस नीचे एक मोटा बॉर्डर दिया गया है। और पल्लू में आप देख सकते हो कोई भी डबल कलर नहीं है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्लेन फैब्रिक रखना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको अपनी फिंगर से लेके कंधे तक एक हाथ नाप देना है, उसके बाद फिर से दो हाथ नाप देना है, उसके बाद हम अपनी कोहनी तक मापेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये हो गया मेजरमेंट। उसके बाद जितना कोहनी से यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बच रहा है, आपको इसको नॉट करने में यूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हम नॉट बनाने में इसको यूज कर रहे हैं। तो आप उस हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पे हम सेंटर में टाइट सा नॉट बना रहे हैं। तो नापने के बाद लेफ्ट साइड में जितना साड़ी बच जाता है हमें लेफ्ट साइड पे रखना है, और जितना साड़ी बच जाता है हमें राइट साइड पे रखना है। और इसके बाद पैर को ओपन करके हमें नीचे से साड़ी को ऊपर की तरफ उठा देना है, और यहाँ पे साड़ी के बॉर्डर को पकड़ के, बॉर्डर थोड़ा सा ठीक है पर इसको बॉर्डर को पकड़ के हमें यहाँ पे फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके उसको अंदर की तरफ हमें टकिंग कर देना है। अगर आप चाइल्ड के लिए चाहते हैं प्रैक्टिस साड़ी ड्रॉपिंग, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी DM कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बॉर्डर को मैं पकड़ के अंदर की तरफ टकिंग कर रही हूँ। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड के साड़ी को पकड़ के उसको पीछे के एरिया पे लेके जाना है, और लेने के बाद यहाँ पे हम आज यूजल उसको टकिंग पीछे के साइड पे नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, साड़ी को ऐसे दो बार फोल्ड कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो दो दो स्मॉल बॉर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फोल्ड करके हमें छोटे छोटे करके यहाँ पे प्लेट्स डाल देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर हम सारी प्लेट्स को अच्छे तरीके से अरेंज कर देंगे, और यहाँ पे एक प्लेट्स को आपको यहाँ पे लूज रखना है ताकि इसका पार्ट हम पीछे के एरिया पे लेके जा पाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो वाला पार्ट को हम पीछे के साइड पे टकिंग करने वाले हैं। उससे पहले हम सामने यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से नी एरिया तक रख के, आप चाहो तो नी से लॉन्ग भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे के साइड पे लेके उसको अंदर की तरफ टकिंग कर देंगे, और आप अपने हिसाब से देख लेना कितना ज़्यादा टाइट आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखी हूँ ताकि प्रैक्टिस करने में हम कंफर्टेबल हो पाए। आप चाहो तो और भी ज़्यादा खींच के उसको अंदर की तरफ टकिंग कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड की साड़ी को पकड़ेंगे, उससे पहले हमारा जो लेगी पैड है उसको ऊपर की तरफ उठा देंगे ताकि इसका कलर बाहर की तरफ विजिबल ना हो पाए। और यहाँ पर साड़ी को बिल्कुल पकड़ के उसको पीछे के साइड पर लेके जाएंगे, और बैक साइड पर लेने के बाद उसको हमें टकिंग नहीं करना है, फिर से हमें यहाँ पे सामने की तरफ लेके वहाँ पे छोटे छोटे करके प्लेट्स डाल देना है, जैसे कि हम पल्लू बनाते वक्त डालते हैं। और प्लेट्स को अच्छे तरीके से अपने हाथों से अरेंज कर देंगे, और आप अगर खुद से अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी की सपोर्ट भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ, और स्टार्टिंग से लेके नीचे तक हमें अरेंज करते रहना है। फिर हमें क्या करना है, कंधे पर उसको डाल देना है।
फिर उसको अच्छी तरीके से सेट करने के बाद कंधे पे एक सेफ्टी पिन डाल देंगे और यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर पे हम एक और सेफ्टी पिन भी डाल देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी बॉर्डर को पकड़ के उसको पीछे के साइड पे लेके जाना है। आप चाहो तो सिंपल बॉर्डर को पीछे के साइड पे अटैच कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे बॉर्डर के साथ साथ एक्स्ट्रा जो साड़ी नीचे झुकता है उसको प्लेट्स डाल के हम पीछे के एरिया पे उसको टकिंग कर देंगे, ताकि इसका जो लुक अच्छी तरीके से क्लीन आ पाए। तो मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल चुकी हूँ और यहाँ पे पीछे के एरिया पे टकिंग कर चुकी हूँ। आप चाहो तो पल्लू को थोड़ा सा लॉन्ग भी रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट रखी हूँ और यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से सेफ्टी पिन के मदद से उसको अच्छी तरीके से टाइटली पकड़ के उसको सिक्योर कर दूंगी। फिर हमें यहाँ पे एक सेफ्टी पिन डाल देना है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, ताकि ये ओपन न हो पाए। और यहाँ पे आप चाहो तो इसको लॉन्ग भी रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे उसको एडजस्ट करके अंदर की तरफ डाल चुकी हूँ। तो ये हमारा साड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो यह है इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड पे। ये आप भरतनाट्यम प्रैक्टिस साड़ी के लिए ड्रॉप कर सकते हो और जितने भी क्लासिकल डांसर्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।